अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यासिर अली आप सब लोगों को अपने चैनल जेमिनियन मैट्रिक्स यासिर अली में वेलकम कहता हूँ। और जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखा कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो था कर्व नेटवर्क के थ्रू और डिफरेंट सरफेसेस की कमांड्स के थ्रू जो था सरफेसेस जनरेट करना सीखी। तो हमने एक शैंक का जो था शेप क्रिएट किया था, जो हमने कर्व नेटवर्क के थ्रू करना सीखा था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वो इजी टू बिल्ड है, उसमें आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। बेसिकली वो एक ऑटोमेटिक बिल्डर है, जो आपने काम मैन्युअली किया था, अब मैं आपको वो काम ऑटोमेटिक करना सिखाऊंगा कि आप लोग अपने किसी भी किस्म के शैंक को, शैंक की जो है प्रोफाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, खुद एडिट भी कर सकते हैं, और आप अपने टॉप की प्रोफाइल जो है शैंक की, उसको भी आप डिफरेंट प्रोफाइल्स में जो है चेंज करके अपना जो है स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था, सबसे पहले हमने टूल्स में जाके जो रिंग रेल है, रिंग रेल के थ्रू अपना जो भी हमारा एक साइज है जो हमें लेना है वो हमने लिया था, और उसके बाद ये साइज आ गया। साइज आने के बाद जो था, हमने उसके ऊपर मैन्युअली कर्व ड्रॉ करके जैसा हमें शेप क्रिएट करना था साइड व्यू थ्रू फिंगर में और साइड व्यू के अंदर, फिर हमने उसको कर्व नेटवर्क के थ्रू जो था हमने सरफेस को बिल्ड किया था। तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो आप मैन्युअली काम करते हैं, जो आप अपने कर्विंग के थ्रू करते हैं, जो आपने डिज़ाइन क्रिएट करना होता है उसमें आप कर्विंग करते हैं, फिर उसका सरफेस जनरेट जनरेट करते हैं। तो इसमें फ्रेंड एक इन्होंने बिल्डर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डर। आप इस बिल्डर पे क्लिक करते हैं, बिल्डर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखें आप बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है कमांड्स हैं। सबसे पहले इन्होंने जो दिया हुआ है वो है सिग्नेट बिल्डर। सिग्नेट बिल्डर यानी कि आप इसके अंदर जो है देखें, सबसे पहले इन्होंने दिया है सॉरी इटर्निटी रिंग बिल्डर। इसके अंदर आप जैसा कि इसका आइकन से अंदाज़ा कर सकते हैं, चैनल सेटिंग के अंदर जो है इन्होंने एक रिंग बिल्ड की हुई है, तो वो आप इसके थ्रू भी बिल्ड कर सकते हैं, इजी टू मेक है। तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने सिग्नेट रिंग बिल्डर। ये इटर्निटी रिंग बिल्डर है, ये सिग्नेट रिंग बिल्डर है। तो सिग्नेट रिंग बिल्डर जो है, सिग्नेट रिंग बिल्डर के अंदर हम कोई भी जेंट्स रिंग आराम से इजीली जो है लेडीज जेंट्स जो भी हमें शेप चाहिए इजी जो है हम इसके ऊपर अपना ओन डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले इस सिग्नेट बिल्डर जो है इसको ओपन करते हैं। जैसे हम सिग्नेट बिल्डर को ओपन करते हैं तो हमें एक नीचे विंडो मिल जाती है सिग्नेट बिल्डर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें सिग्नेट बिल्डर की यहाँ पे एक जो है विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारी जो है इसके ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे जो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है टॉप और एक है एज। टॉप में जो है आपकी जो शैंक है उसके ऊपर का जो भी शेप है वो इन प्रोफाइल्स के थ्रू, आप डिफरेंट प्रोफाइल्स के थ्रू जो है यहाँ से अपना कोई भी शेप ओन ले सकते हैं। इसी तरीके से आपकी शैंक का जो साइड का डिज़ाइन है, साइड का डिज़ाइन है वो आप यहाँ की प्रोफाइल से एज के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ आ जाए, यहाँ पे ये रिंग रेल लिखा हुआ है, आप यहाँ से रिंग रेल लेंगे जो भी आपको नीड है। फिर क्रॉस सेक्शन है, इसको आप चेंज करके आप देखें, इसमें आप डबल क्रॉस सेक्शन भी लगा सकते हैं, यानी कि अपनी शैंक के आप साइड से भी और डिफरेंट एजेस लेके अपनी रिंग को डिफरेंट स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो है कट बॉटम है, कट बॉटम मीन्स यानी कि ये ऑन हुआ हुआ है, कट बॉटम को हम बंद कर देंगे तो नीचे से कटिंग हुई भी नहीं आएगी, और अगर उसको ऑन कर देंगे तो नीचे से कटी हुई आएगी। स्टार्ट है, जब आपका रिंग पूरा डिज़ाइन बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे तो जो है आपकी रिंग बिल्कुल रेडी होके परफेक्ट होके आ जाएगी आपके सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि ये सारी इसकी जो है अपने कर्व
कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला कंट्रोल जो है ये इस पे टॉप लेंथ है, यानी कि इस रिंग की जो भी आप रिंग रख रहे हैं उसकी आपने लेंथ कितनी रखनी है, फिर ये टॉप रिंग है टॉप की विड्थ कितनी रखनी है, फिर ये टॉप थिकनेस है, ये साइड से जैसे कि एरो के निशान यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये डिफरेंट्स जो हैं इसके कंट्रोल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा हमें ईजी होगा आपको समझाने के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक रिंग रेल जो है अपनी जो हमें नीड है वो ले लेते हैं। मैं एक 20 नंबर की रिंग रेल लेता हूँ और यहाँ से प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये 20 नंबर की जो है यहाँ से एक रेल आ गई। अगर फ्रेंड्स कोई एक मिस्टेक मैं यहाँ पे आपको बताने में कर गया कि ये स्टार्ट के बटन को जब हमने आपको बताया था कि जब हम सारे कंट्रोल्स को यहाँ से सेट कर लेंगे फिर स्टार्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो हम अपनी रिंग की बिल्कुल फाइनल पोजीशन पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये मुझसे बताने में मिस्टेक हो गई, जब हमने रिंग रेल ले ली तो जो भी हमारे यहाँ पे एज और जो भी टॉप की प्रोफाइल सेट की हुई है, अब हम रिंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी रिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, स्टार्ट के बटन को क्लिक किया, स्टार्ट हो गए। जब हम सारी ये कंट्रोल से अपनी सेटिंग को सेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम अपनी जो है रिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, एंटर करके बाहर आ जाएंगे तो रिंग हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब देखें ये जो है एक रिंग हमारे सामने आ गई है। ये देखें आप, जैसा कि ये आप ये वाला जो एज देख रहे हैं वो एज इसकी प्रोफाइल ये है, और टॉप जो देख रहे हैं टॉप के ऊपर जो प्रोफाइल है वो ये वाली है। अब एक मिसाल है, मैं इसकी टॉप की प्रोफाइल जो है वो चेंज करता हूँ। ये मैंने टॉप की प्रोफाइल को चेंज किया, टॉप की प्रोफाइल लेके मैंने ये टॉप की प्रोफाइल जो थी देखे मैंने ये कर ली। एज जो है मैं इसका एज भी चेंज कर लेता हूँ, एज मैंने इसका ये ले लिया, एज मैंने इसका ये ले लिया। देखिए आप कितनी जो है इसके अंदर डिजाइन में काफ़ी जो है चेंजिंग्स आ गई। अब मैं आपको इनकी प्रोफाइल्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप ये प्रोफाइल्स देखें कितनी प्रोफाइल्स हैं। ये देखें टॉप की प्रोफाइल्स देखें कितनी है, मैं एक मिसाल ये प्रोफाइल ले लेता हूँ, देखें फ्रेंड्स ये प्रोफाइल आ गई। फिर ये एज जो है, ये एज देखें आप एज कितनी है, मैं ये एज ले लेता हूँ, ये देखें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं ये टॉप की जो इसमें प्रोफाइल दी हुई है इसमें नीचे एक एडिट का बटन है। अब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो पे एक प्रोफाइल जो हमारी जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है, मैं उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ, अपनी मर्जी की प्रोफाइल बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इजी टू मेक अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकता हूँ। और बिल्ड करने के बाद मैं यहाँ से प्रोफाइल को नेम दे के सेव प्रोफाइल जैसे ही करूँगा तो वो मेरी इस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे उस नाम पे सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोफाइल ली, तो एज के अंदर भी हम अपनी मर्जी का एज जो है यहाँ से फ्रेंड्स बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ से एडिट पे जाना होगा और अपनी मर्जी की एज हम बना सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी देखिए क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे क्रॉस सेक्शन पे जाते हैं टू शेप्स पे आते हैं तो इसमें एक जो है बॉक्स मिडिल का वो ओपन हो जाता है और हम अपने शैंक के डिज़ाइन को मुख्तलिफ प्रोफाइल के थ्रू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें ठीक है, बाकी इसके कंट्रोल सीरीज में विद वगैरह आप इसके यहाँ से सेट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के अंदर जाते हैं। कंट्रोल्स में जाने के बाद जो है इसकी लेंथ हम बढ़ाएंगे, तो देखें
इसकी लेंथ जो है ये देखें ऐसे ऐसे बढ़ रही है, देख रहे हैं आप। अब यहाँ से स्क्रोल डाउन भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो हमें एक वैल्यू नीड है एमएम के अंदर वो यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं। फिर ये इसकी विद है, विद देखें आप, ये विद है, विद को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये इसकी हाइट है, इस हाइट की थिकनेस को हम यहाँ से जितना चाह सकते हैं बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर ये हमारी शैंक थिकनेस है, यहाँ की थिकनेस, इसको हम बढ़ाना चाहें मजीद, ये और मजीद बिल्ड बढ़ सकती है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी जो है साइड की डंडी है, उसकी चौड़ान, उसकी विड्थ जितनी हमें रखनी है। ठीक है फ्रेंड, ये सारे कंट्रोल्स हैं, बाकी ये कंट्रोल है बॉटम विड्थ स्केलिंग, ये नीचे की जो बॉटम विड्थ है ये देखें आप, खाली नीचे की देखें तो बॉटम हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक स्लोप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम अपने लिहाज से सारे कंट्रोल्स को सेट करने के बाद जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली हमें इस बिल्डर में एक रिंग विथ सॉलिड हमें इजी टू मेक प्रोवाइड कर दी। और अगर हम यही मैनुअली बनाने जाते तो हमें कर्विंग करना पड़ती, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो था वो इसमें एक्सपेंड होता। लेकिन असल में हमें मैनुअली काम करना लाजमी आना चाहिए कर्विंग के थ्रू। ये तो मैट्रिक्स जेम विजन वालों ने एक ऑप्शन चीज़ टाइम के हवाले से, कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे, उस हवाले से उन्होंने बिल्डर दिया है। इसका अपनी मर्जी की प्रोफाइल्स लगा सकते हैं, एज लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और ये अभी सॉलिड है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जैसा हमारा ये सिगनेट बिल्डर है, सिगनेट बिल्डर के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोफाइल्स को एडिट करके अपना शेप क्रिएट कर सकते हैं, एज क्रिएट करके अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये इसके कंट्रोल्स हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, आप मिडिल से भी कोई प्रोफाइल लगा के अपनी डंडी के शेप को क्रिएट कर सकते हैं, कि आप चाहें मिडिल में एक दूसरी प्रोफाइल लगाएं, ये डिज़ाइन आपका यहाँ तक रहे, नीचे तक डिज़ाइन अभी देखिए जा रहा है, तो आप चाहते हैं यहाँ से डंडी प्लेन रहे तो आप मिडिल में एक प्रोफाइल लगा दें, ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो मिडिल की जो आपकी प्रोफाइल होगी वो नीचे तक इसको मिडिल की प्रोफाइल के जैसे ही जो है वो स्विप करके दे देगा आपको। तो ये सॉलिड है। तो फ्रेंड इसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हैं डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और अभी देखें ये सॉलिड है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेमो के अंदर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको इन्हीं सॉलिड पीस को अंदर से कैसे आप अपनी मर्जी से खाली कर सकते हैं, अंदर से आप वजन कैसे इसका रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टोन वर्क कैसे होगा, इस पर आप बारीक बारीक प्रॉन्ग सेटिंग कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई जी आप इसके ऊपर कोई मीनेकारी वाला काम कर सकते हैं, कोई आर्ट वाला काम कर सकते हैं। अभी हमारा सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि जो रिंग आप इसमें मैनुअली बिल्ड कर सकते हैं वो इसमें मैट्रिक्स वालों ने बिल्डर भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। आप इस तरह मुख्तलिफ जो है प्रोफाइल बना के इजी टू मेक अपनी शैंक को किसी भी शेप में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके पास सॉलिड फॉर्म में आएगा। बाद में इसको आप अंदर से कैसे खाली करेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम आपको नेक्स्ट डेमो के अंदर बताएंगे। तो आज तक के लिए आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ हमारा ये डेमो सिगनेट बिल्डर का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेमो के अंदर हम आपको और डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के बारे में, उनके टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।